मज़ीद वीडियो देखने के लिए श्री अजट चैती को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। तो जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब बहन भाइयों का उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मैं आई हूँ, एक ऐसी फैमिली है जो हमारी प्यारी बहन बेटा है। आओ आपको आपको इससे मिलाते हैं, इस बहन से जो बेवा है। आप आओ अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है बाजी? ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा ते तुसी बेवा? तो मियाँ थोड़ा कदों का फोत होया? 7 साल हो गए। फिर मगर गुस्सा कैसे हो गया? गुआढ़ी दफ्तर चल मेरा 200-400 मिलता, बच्चों ने गुजारा ही नहीं होंगे। अच्छा, तू खुद करनी है दिहाड़ी? खुद करनी है। कोई है तीन चार बच्चे। अच्छा, बैठे कितने ने बेटियाँ? कितने का? 2 बेटियाँ। अच्छा, अल्लाह ताला फैमिली पे रहम करे। तो खुद कमाती हो? हाँ जी हाँ जी, खुद कमाती। तो खान पीन सही चल रहा है आपका? की सही चलना, 200-300 की दिहाड़ी तो की चलना, कदे खा बैठो कदे भूखा बैठो। वही सही बात है। इसका बहन का कहना है कि मैं खुद काम करती हूँ दिहाड़ी, तो मैं 200-300-400 ले कर आती हूँ, तो सही से चूल्हा भी नहीं चलता। हर चीज़ भूल लगती है, तो आपको पता ही है इस दौर में। तो और मेरी बहन कोई अपने बहन भाइयों नाल कोई नहीं? हर कोई आप का आसरा करेंदा, आधा खाना पीना से अपना कमाने आधा खाना नहीं। मत ना, मेरा कहना है कि आप के इन बहन भाइयों दसो हकील करो कि थानू किस चीज़ की जरूरत है, तो किस तरह थानू इमदाद चाहिए? इमदाद चाहिए, बच्चों के स्कूल ही नहीं जा सकती तुम। रोजी पूरी होती तो बच्चे स्कूल कितने भेज? अच्छा, तो खाना चाहनी है बच्चे? हाँ जी हाँ जी, स्कूल जाते हैं, कदे पेंसिल का नहीं, कदे कापी का नहीं, की करा मैं, कदे जाते हैं कदे नहीं जाते। ये बहन का कहना है कि बच्चे मैं स्कूल नहीं भेज सकती, तो सरकारी स्कूल भेजती हूँ, कभी कभी पेंसिल नहीं होती, कभी कापी नहीं होती, और कभी बैग नहीं होता, इसलिए मैं मजबूर हूँ, बच्चे पढ़ाना चाहनी हूँ, तो मैं बच्चे नहीं पढ़ा सकती। तो आप सबसे अपील है कि मेरे बच्चों को, मेरे 3 बच्चे, मुझे ऐसा सहारा बने कि बच्चे मेरे स्कूल पढ़ जाएं और मेरी ऐसी हेल्प करें। ये देख सकते हैं मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा व्यू, ये देख सकते हैं, इसके घर का व्यू देख सकते हैं। तो ये है जी इसका घर, वो ये है जी इसका किचन बाहर चूल्हा, और इसके बाद ये है इसका कमरा, जिसका हम यूज करा रहे हैं आपको। तो जी यह इसका कमरा, ये आप देख सकते हैं, तो बेचारी बहुत ही गरीब है, बिल्कुल हकदार है। ये देखिए किचन नहीं है, बारिश आई थी रात, तो इन्होंने अंदर इंटर रहा के इधर खाना बनाना बनाया। कहती है कि एक दिन पकाते हैं तो एक दिन खाते हैं बस, कभी रोज़ मिल जाता है, कभी कभी 2-2 दिन भी बैठे रहते हैं। यह आप देख सकते हैं आपका, मेरा कैमरा मैन अच्छे से आपको व्यू कराता है। चलो दोबारा आपको बहन के पास लेके जाते हैं। ये जी इधर तक इसकी जगह है, मोटर लगी हुई है, वाशरूम नहीं है, तो वो एक गुस्सा खाना यहाँ से इसकी दीवार बननी है यहाँ तक। हाँ, अकेली औरत रहती है, तो इस बहन का कहना है कि मुझे डर लगता है रात को, क्योंकि चार दीवारी इधर नहीं है, तो रात को सोती भी नहीं, रात सारी रात क्या मानना क्या है कि मेरे दर सही समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे चार दीवारी चाहिए और एक गेट चाहिए। तो जी आपके बच्चे की तरह आप देखें जी, इनकी बेटी बीमार है, ये मतलब 12 साल की बच्ची है, ये देख सकते हैं आप, ये सही से चल नहीं सकती, इसका इलाज भी नहीं इन्होंने करवाया अभी तक। भाजी हम डॉक्टर के पास ले ही नहीं गए, ना कि दवाई रखी, कितना मसला चल रहा। अल्लाह ताला इस फैमिली पे रहम करे, आप देख सकते हैं कैसे काँप रही है, वो इनकी मदद जरूर कीजिएगा।
तो जी है इनका बेटा, ये बेटी है तो वो हाँ तो ये भेवा है तो हाँ जी बेटा आप पढ़ना चाहते हो? हाँ जी। तो आप स्कूल क्यों नहीं जाते? पैसे पढ़ने। तो आपके अबू क्या करते हैं? अच्छा, तो अगर आपको कोई बहन भाई स्कूल पढ़ाए तो आप पढ़ेंगे ना? अगर आपको पैसे देंगे, बैग लेके देंगे, जूते किताब तो पढ़ोगे ना? तो आप पढ़ के की बनोगे? फौज बनोगे। शाबाश, गुड गुड मेरा बेटा, फौज बनेगा, तेन जरूर फौज बनावांगे, ठीक है? तो बेटा जी थोड़ा ना की है अबू बकर। अच्छा, ठीक हो गया। जितने भी सुनने वाले हैं आपने सुन तो लिया होगा, बच्चा पढ़ना चाहता है, ये बेवा नहीं पढ़ा सकती बच्चा बेचारा, यह कहीं करें दिल खून कैंसर होने लगा, कहने लगा कि आंटी अबू होता तो मैं ज़रूर पढ़ता, हाँ मैं जाता हूँ, मेरे पास कभी कापी नहीं होती, कभी पेंसिल नहीं होती। तो जी मेरे अबू इस दुनिया में नहीं है तो मैं पढ़ नहीं सकता, यकीन करें मुझे भी बहुत रोना आया। अल्लाह ताला इस बच्चे की सिलसी करे, अपनी माँ का फरमादार बनाए, और अल्लाह पाक इसको नेक बनाए, अपनी माँ का फरमादार बनाए, हिस्मतगार बनाए, और इनकी माँ का रोना नहीं, मेरी प्यारी बहन माँ भी रोने लग गई है। तो ये यकीन करे बहुत मजबूर हैं, तो आपने इनकी ज़रूर हेल्प करनी है, मुझे उम्मीद है कोई ना कोई बहन भाई इनका बनेगा। सहारा इनको राशन भी एक महीने हर महीने चाहिए, क्योंकि इनका कोई लाने वाला नहीं, ये करके थक गया, 200-400 मिलता है रिहाड़ी का, घर का भी ये देख सकते हैं क्या हालात है, आपने देख लिया सूरत हाल, घर का काम नहीं कर सकती, रिहाड़ी करके आती है, 3 बच्चों का पेट पाल रही है अपना भी। तो बाकी मैंने आपको इनसे आपकी इनसे मुलाकात करा दी है, तो जी मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इनकी मदद करेंगे। तो बहन जी थानू फिर की चाहिए? रोना रोना मेरी प्यारी बहन रोना, सुना है। फिर मान अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।